मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत कर रहा है लाइक फादर लाइक सन, हमारी प्यारी सब्सक्राइबर अपर्णा भारती के रिक्वेस्ट पे। थैंक यू अपर्णा जी। मूवी का डायरेक्टर है हीरो काजू कोडिडा और आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है। रयोटा नोनो मिया शहर का जाना माना आर्किटेक्ट है। आज वो अपने 6 साल के बेटे कीटा का स्कूल में दाखिला करवाने आया है, लेकिन उसे एक शिकायत हमेशा से रही है कि उसका बेटा उसकी तरह तेज नहीं है, थोड़ा मंदबुद्धि का है, चीज़ों को समझने में और उसे ज़्यादा वक्त लेता है। रोयटा अपने ऑफिस में दिन भर बिजी रहता है, देर रात से घर लौटता है। पिछले 6 साल से, जब से कीटा पैदा हुआ है, या कह लो उससे भी पहले से, काम की इतनी मशरूफियत में परिवार के लिए उसके पास समय नहीं। यहाँ तक कि बच्चा पैदा होने के वक्त भी वो पास नहीं था। मिदोरी उसकी पत्नी कुछ महीने अपने माँ के पास रही थी। रोयटा ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेकर बहुत सीरियस है और 6 साल के बेटे को भी दुनिया के इस दौर में जिताना चाहता है। वो कीटा के पियानो और बाकी किसी भी क्लास में एक दिन भी छूटने नहीं देता। हमेशा की तरह आज रात को भी जब वो घर देर से पहुंचा, मिदोरी ने बताया हॉस्पिटल से फ़ोन आया था जहाँ कीटा पैदा हुआ है, कुछ ज़रूरी काम है, हमें बुलाया है कल। मायाबाशी हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने जो सुना, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 6 साल पहले जिस दिन कीटा का जन्म हुआ था, यहाँ और भी 2 फैमिली को लड़के पैदा हुए थे, जिनमें से एक बच्चे के स्कूल एडमिशन के वक्त उनका डीएनए मैच नहीं हुआ। इसीलिए तीनों बच्चों के पेरेंट्स का डीएनए मैच किया जाएगा, ये बस एक फॉर्मेलिटी है। घर वापस आकर उन्होंने कीटा के स्कूल सिलेक्शन होने की पार्टी मनाई। कीटा अपने पापा की तरह कैमरा लेकर सबकी फ़ोटोज़ लेता रहता है, अभी भी वो फ़ोटो ही ले रहा है, लेकिन आज रोयटा उसे कुछ ज़्यादा ही गौर से देख रहा है, शायद हॉस्पिटल की बात से। अगले दिन कीटा को लेकर वो हॉस्पिटल पहुँचे, डीएनए टेस्ट हुए और रिपोर्ट आई कि कीटा और रोयटा का डीएनए मैच नहीं हो रहा, मतलब कि कीटा उनका बेटा नहीं किसी और का है और उनका बेटा किसी और के पास है। दोनों ही गाड़ी में खामोश बैठे हैं। अचानक रोयटा ने कहा, अब समझा वो ऐसा क्यों है। मिदोरी उसके इस रिएक्शन पे हैरान है। अगले दिन दोनों पेरेंट्स की मीटिंग रखी गई, उन्हें दूसरे पेरेंट्स विकारी और काजू से मिलाया गया। रोयटा की तुलना में वो थोड़े कम पैसे वाले हैं, उनका छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है। दोनों बच्चों की तस्वीरें आमने सामने रखी गई, दूसरे बच्चे का नाम यूसई है। उन्होंने मिदोरी और रोयटा को उनके बेटे की पानी में खेलते हुए एक वीडियो भी दिखाई, उसके 2 और भाई बहन के साथ। युकारी और काजू के 3 बच्चे हैं। काउंसलर ने कहा, आप लोगों को आपसी सहमति के साथ बच्चे समय रहते बदल लेना चाहिए ताकि उनके भविष्य पे कोई असर ना पड़े, पर मिदोरी इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं लेना चाहती और ना ही युकारी। वहाँ से निकलते वक्त दोनों फैमिली ने दोबारा मिलना चाहा, मगर बिना काउंसलर के। इतना गंभीर मामला है और दोनों माँ बाप को ही वक्त चाहिए। कीटा को वो नानी घर छोड़ाई थी, घर वापस आकर देखा वो सो रहा है। मिदोरी उसके पास रोते हुए बैठ गई और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। बाद में उसकी माँ ने कहा, पता है जब कीटा 4 साल का था, पड़ोस में रहने वाले ने एक बार कहा था, कीटा तो लगता नहीं कि माँ बाप पर गया है। ये सुनकर मिदोरी और रोने लगी। जापान के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में रोयटा काम कर रहा है। एक प्रेजेंटेशन के बीच उसके कलीग ने इस मामले में अफसोस जताते हुए उसे कहा, क्या तुम अदला बदली का सोच रहे हो। रोयटा ने कहा, हमने अभी उतना दूर का सोचा नहीं है। फिर वो बोला, क्यों ना तुम दोनों बच्चों को ही रख लो, उनसे तुम्हारे हालात कई गुना अच्छे हैं, ऊपर से उनके 2 बच्चे और भी हैं, तुम्हें डर है कि बच्चों की परवरिश ठीक ढंग से नहीं होगी। रोयटा को ये बात जच गई। इस शनिवार वो अपने बच्चों के साथ फिर मिले। कोल्ड ड्रिंक्स का बिल पे करते वक्त जब रोयटा ने पैसा देना चाहा, काजू ने मना करते हुए बिल हॉस्पिटल के नाम पे बनवाया, क्योंकि ये सारा खर्चा तो उन्हीं को उठाना चाहिए। मिदोरी और रोयटा एक दूसरे को देखने लगे। काजू के 3 बच्चे ही उसी की तरह मिलनसार हैं और बातूनी भी, जबकि कीटा रोयटा की तरह शांत। दूर बैठा रोयटा अपने बेटे यूसई को गौर से देख रहा है।
इन लोगों के साथ रहकर बिल्कुल इनके जैसे ही हरकतें हैं इसकी। तभी उसकी नज़र कोल्ड ड्रिंक के स्टॉप पर पड़ी, जो काजू की तरह ही उसने दांत से चबाई हुई है। खैर, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो आपस में खेलने लगे। मिडिल क्लास होने के कारण युकारी और काजू चाहते हैं कि हॉस्पिटल उन्हें कुछ पैसे की भरपाई भी कर दे तो अच्छा होगा। रोयटा को लगा यह अच्छा मौका है, अगर इनको पैसे ही चाहिए तो मैं दूंगा, ताकि दोनों बच्चों की कस्टडी मुझे मिल जाए। उसने कहा, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो लॉयर है, आपको जो कुछ भी चाहिए मैं उससे बात कर लूँगा, कहकर वो अपने दोस्त को फ़ोन लगाने गया। और यहाँ काजू बच्चों के साथ खेल रहा है, उनके साथ समय गुजार रहा है। बच्चों को खुश देख युकारी और मिदोरी भी खुश है। रोयटा के दोस्त ने कहा, ये तो मुमकिन नहीं जब तक माँ बाप का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। उनके पास कम पैसे हैं, ये बात तुम्हें केस नहीं जिता सकती। तुम बच्चा बदलने के लिए केस फाइल कर सकते हो। रोयटा बोला, तो फिर मैं उनसे सीधे पैसे की बात पूछूंगा, कितने चाहिए, वो लोग ज़रूरतमंद लगते हैं, शायद मान जाए। एक और काउंसलिंग में बच्चों को बदलने का फैसला लेने से पहले वो उन्हें भी और खुद को भी समय देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि नए घर में नए लोगों के साथ वो खुद को कितना ढाल पाते हैं। तय हुआ, हर शनिवार दोनों बच्चों को एक दूसरे के घर में लाया जाएगा। मिदोरी और युकारी अक्सर फ़ोन पे बच्चों की पसंद नापसंद की बातें करने लगे, ताकि उन्हें वहाँ कोई तकलीफ ना हो। पूरा हफ्ता कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। नन्हे उंगलियों से कीटा को पियानो बजाते देख मिदोरी रो पड़ी। कैसे वो किसी और में अपने कीटा को ढूंढेगी? उसने पूछा, कीटा तुम्हें पियानो बजाना अच्छा लगता है? हाँ, पापा कहते हैं मैं अच्छा बजाता हूँ। आज शुक्रवार की रात है, वीडियो गेम खेलते हुए रोयटा ने कहा, कीटा कल हम एक मिशन में जा रहे हैं, एक गेम है जहाँ तुम्हें एक दिन के लिए यूसई के घर में रहना होगा, तुम करना चाहोगे ये मिशन? भोला कीटा ने पूरे जोश के साथ हाँ कहा। कीटा हमेशा अपने पापा की तरह बनना चाहता है, इसलिए उनकी हर बात मानता है। अगली सुबह वो उसे छोड़ने और यूसई को लेने गया। नन्हा कीटा उन्हें जाते हुए देख रहा है, कितना विश्वास है उसकी आंखों में। उनके चले जाने के बाद कीटा घूम घूम कर पूरा घर देखने लगा। इधर यूसई के साथ रोयटा घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है। कीटा की आदतें मिदोरी यूसई में ढूंढती है। यहाँ युकारी भी कीटा को देखकर समझ नहीं पा रही कि कैसे पेश आए। बचपन से हमने जिसे पाला है वो अपनापन हमें और कौन दे सकेगा। अगले दिन रविवार दोनों पेरेंट्स स्टेशन पर मिले। मिदोरी कीटा को लेने आई है, उसे कल खेलते वक्त छोटी सी चोट लगी है जिसे युकारी ने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन मिदोरी का दिल तो दुखा। जिसके 6 साल का एक एक पल मिदोरी की आंखों के सामने बीता हो, उसे एक खरोच भी मिदोरी से कैसे सहा जाएगा। घर वापस आकर रोयटा भी इस बात पे गुस्सा करने लगा। तभी कीटा अंदर से अपना खराब रोबोट ले आया और बोला, जब मैं अगली बार यूसई के घर जाऊँगा तब ये भी ले जाऊँगा, उसके पापा सारे खिलौने ठीक कर देते हैं। रोयटा को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। अगले दिन सोमवार को कीटा के स्कूल का पहला दिन है। उसकी नानी आई है अपने नाती को स्कूल यूनिफॉर्म में देखने। वो रोयटा से गुजारिश करती है, वैसे तो ये तुम पति पत्नी का आपस का मामला है, मगर बच्चे वैसे ही बनते हैं जैसे हम उन्हें बनाते हैं, परवरिश खून से बड़ा होता है। तभी काजू भी वहाँ सुबह सुबह आ गया। वो कीटा के पूरे दिन को वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा है। कुछ दिन बाद फिर से सब अपने बच्चों के साथ मिले। रोयटा दूर बैठा है और काजू बच्चों के साथ मस्ती कर रहा है। उसने रोयटा से कहा, ये बहुत जल्द बड़े हो जाएंगे, इनके साथ वक्त गुजारो, क्योंकि फिर ये वक्त ना तुम्हारे लिए लौट कर आएगा ना इनके लिए। रोयटा ने कहा, बच्चों के साथ खेलने के अलावा और भी काम होते हैं जो तुम नहीं कर सकते। और अचानक से उसने दोनों बच्चों को गोद लेने की बात कर दी। इस बात पे युकारी और काजू दोनों ही बहुत गुस्सा हो गए। भले ही पैसे कम है हमारे पास, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। मिदोरी ने बीच में आकर बात संभाली और रोयटा को वहाँ से लेकर चली गई। इधर हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन से उस नर्स का पता चल गया है जो उस वक्त शिफ्ट में थी। उसने कबूल भी किया कि हॉस्पिटल से कोई गलती नहीं हुई, बल्कि उसने ये जानबूझकर किया था। तब मेरी नई नई शादी हुई थी,
वो एक डिवोर्सी था जिसके बच्चे भी थे। मुझे लगने लगा कि जिंदगी ने मेरे साथ नाइंसाफी की है। दूसरी तरफ मिदोरी हॉस्पिटल के सबसे महंगे कमरे में थी। सुना था मैंने कि उसका पति किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। मुझे उसकी किस्मत से ईर्ष्या होने लगी और मैंने उसका बच्चा बदल दिया। मगर आज मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि मेरे पति और मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। दोनों माँ बाप इस बात से हैरान हैं, ऐसे कैसे कोई लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर सकता है। लेकिन उस नर्स को सज़ा नहीं हुई क्योंकि कानून के मुताबिक 5 साल बाद ये जुर्म अमान्य हो गया है। बस कुछ जुर्माना देना पड़ा और उसे छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद रोहिता के पापा के घर से फ़ोन आया, उन्हें स्ट्रोक आया है। वो अपने बड़े भाई के साथ उनसे मिलने गया। रोहिता के पापा की बहुत पहले हुई दूसरी शादी के बाद भी उसने उस औरत को कभी माँ नहीं कहा। वो ऐसा ही है, कभी किसी के ज़्यादा करीब गया ही नहीं, ना माँ ना बाप ना ही मिदोरी के। उसके पापा का कहना है कि अपना खून अपना होता है, उसे यूसई को ले आना चाहिए। मगर माँ कहती है परिवार साथ रहने से बनता है, पति पत्नी भी तो पूरी उम्र साथ देते हैं, मगर वो खून का रिश्ता तो नहीं होते। रोहिता सबकी बातें सुन रहा है। घर वापस लौटकर उसने टेबल पर पड़ी एक ड्राइंग देखी। मिदोरी ने कहा उसने ये फादर्स डे पे स्कूल में बनाया है। एक बाप की नज़र से वो प्राउड फील कर रहा है। साथ में 2 कागज़ के फूल भी बनाए हैं। रोहिता ने जब उसे थैंक यू कहा, कीटा बोला, एक यूसई के पापा के लिए है, उन्होंने मेरी वो रोबोट ठीक कर दी थी ना। रोहिता ने सोचा कीटा बिल्कुल उसके जैसा नहीं, क्योंकि कीटा बहुत दयालु और भले दिल का है, वो बेशक वैसा नहीं। फिर आया पियानो कंपटीशन का दिन। बाकी बच्चों के मुकाबले कीटा का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो सबके लिए तालियां बजाता है। रोहिता को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो बेस्ट नहीं है जैसे उसका बाप है, लेकिन वो तो उसका बाप है ही नहीं। यही तो वजह है कि वो हमेशा कमज़ोर और पीछे रहता है। शायद उसने तभी मन बना लिया कि उसे क्या करना है। कीटा को सुलाने के बाद चुप चुप रहने वाली मिदोरी और रोहिता में लड़ाई हो गई। तुम क्या सच में कीटा को छोड़ दोगे? तुम्हारा खून इस 6 साल के रिश्ते से ज़्यादा बड़ा हो गया। मुझे याद है उस दिन वापस आते वक्त तुमने गाड़ी में कहा था, अब समझा वो ऐसा क्यों है। तुम्हारे मुँह से निकली ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। किसी के ना चाहते हुए भी रोहिता केस जीता और जैसे कि वो चाहता था दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। क्या फ़र्क पड़ेगा, 6 साल के बच्चे ही तो है। रोहिता धीरे धीरे कीटा को तैयार कर रहा है नए घर नए मम्मी पापा के पास जाने के लिए। कीटा को फ़ोटो खींचना बहुत पसंद है। पार्क में बैठे भी वो अपने पापा की ही फ़ोटो ले रहा है। शाम को रोहिता ने कहा, कीटा अब से तुम उस नए घर में रहोगे और उन्हीं को मम्मी पापा बोलोगे, हमारी याद आए तो हमें फ़ोन नहीं करोगे। मासूम से बच्चे ने पूछा, पापा ये मिशन है? रोहिता बोला, हाँ यही समझ लो। फिर उसने पूछा, मैं घर कब तक वापस आऊँगा? उसके पास कोई जवाब नहीं। रात में मिदोरी कीटा के खिलौने तस्वीरें स्कूल ड्रेस सारी चीज़ें उसकी सारी यादें एक सूटकेस में भर रही है, लेकिन क्या वो सारी यादें एक सूटकेस में समा पाएंगी? रात भर मिदोरी बिस्तर पे जागती रही और बाहर रोहिता कुर्सी पर। वो दिन आ ही गया, दोनों परिवार एक पिकनिक स्पॉट पर मिले। काजू ने कहा, मैं बच्चों को हर गर्मियों में पतंग उड़ाना सिखाता हूँ, तुम उसके लिए ज़रूर करना। और यहाँ मिदोरी युकारी से कह रही है, कीटा को हमेशा से एक छोटा भाई या बहन चाहिए था, मगर मैं और बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसी बहाने उसकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, कहते हुए वो रो पड़ी। युकारी उसका दर्द समझती है। अब यूसई रोहिता के सामने बैठा है। उसने कहा, अब से तुम हमें मम्मी पापा कहोगे। यूसई ने कहा, क्यों, मम्मी पापा तो घर पर है। उसके इस क्यों का जवाब रोहिता के पास नहीं। इधर दहलीज पर अकेला बैठा कीटा आसमान की तरफ देख रहा है। पीछे खड़ी युकारी उसे देखने लगी, इतना शांत तो हमारे घर कोई भी नहीं, यूसई होता तो पूरा घर सर पे उठा कर रखा होता।
उसने कीटा को हंसाने की कोशिश की, उसे गले से लगा लिया। एक दोपहर को मिदोरी को एक फ़ोन आया। वो कीटा है, अपनी माँ से बात करना चाहता है। मिदोरी उसकी आवाज़ सुनने को तरस गई थी। उससे बात होने के बाद वो घंटों अकेली पार्क में बैठी रही। अब हर बच्चा अलग होता है, यूसे शोर मचाता है, बात नहीं सुनता, बिल्कुल किसी आम बच्चे की तरह। एक दिन उसका खिलौना टूट गया, रियोटा को देने पर वो उसे बना नहीं पा रहा क्योंकि उसने कभी ये सब किया ही नहीं। फिर उसने कहा, मैं अपने पापा से बनवा लूँगा। उसे खुद पे सवाल जैसी लगी वो बात। धीरे धीरे रियोटा भी यूसेई में कुछ ढूंढता रहता। कीटा उसकी हर बात बड़े प्यार से मान लेता था। घर छोड़ने को कहा वो भी वो मान गया। रात को वो सोफे पर ही सो गया। सुबह उसे सोफे के बीच से कीटा का बनाया फूल मिला, लेकिन उसमें तो फूल ही नहीं है। वो सोफे का कोना कोना ढूंढने लगा जैसे वो कीटा को ढूंढ रहा हो, मगर वो तो अब यहाँ नहीं रहता, कहाँ से मिलेगा। अब तो उसका पियानो बजाना भी छूट गया। कीटा था तो उसे सिखाया करता था। एक दिन ऑफिस में उसे उसी नर्स का मुआफ़ीनामा और कुछ हर्जाना रुपए आए। रियोटा गुस्से में उसके घर पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ कहता, उसके पति की पहली शादी से बेटा बीच में आ गया। वो अपनी माँ के लिए खड़ा है, उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देगा। वो वहाँ से चुपचाप चला गया। अपनी गाड़ी में बैठा है, उसकी आँखें नीची है। मेरी भी तो सौतेली माँ है जिसने हमें पाला पोसा, पर मैंने कभी उसे माँ का दर्जा नहीं दिया। उसने घर फोन लगाया, इत्तफाक से माँ ने ही फोन उठाया। उसने माफ़ी मांगनी चाही, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही माँ माफ़ कर चुकी थी। देखा कितना आसान है, हम ही इसे मुश्किल बना देते हैं। एक दिन मिदोरी को सोते देख यूसुई अकेले ही बाहर निकल गया। जब उसकी आँख खुली उसने उसे हर जगह ढूंढा। हैरान परेशान उसने रियोटा को फ़ोन किया। ढूंढता रियोटा को वो अपने घर पे मिला, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को देखना चाहता था। युकारी ने जवाब में कहा, अगर तुमसे नहीं संभल रहे तो हमें दोनों बच्चे दे दो, हम इनका ख्याल रख सकते हैं। वो कुछ बोल ही नहीं सका और उसे वापस घर ले आया। लेकिन उसे उस वक्त कीटा का ख्याल ही नहीं आया। वो पीछे छुपकर उसे देख रहा था। क्या बीती होगी उस बच्चे के मन में। अब धीरे धीरे यूसुई उनसे घुल मिल रहा है, सब नॉर्मल होने लगा। एक रविवार रियोटा कैमरा की फ़ोटोज़ देख रहा है। शुरुआत में कुछ यूसुई के साथ की है और फिर उसे कीटा की पार्क में झूले पे एक फ़ोटो दिखी, और उसके बाद से सारी फ़ोटोज़ रियोटा की है। कहीं वो काम कर रहा है, कहीं वो सोफे पे सोया है, कहीं बिस्तर पे। ये सारी फ़ोटोज़ कीटा ने कब ली उसे मालूम भी नहीं। एक छोटा सा बच्चा और कैसे अपने प्यार को बयां कर सकता है। रियोटा रो पड़ा। हमें कौन सा बच्चा चाहिए, हम बस यही सोचते रहे। किसी ने बच्चों से पूछा कि उन्हें कौन से माँ बाप चाहिए। वो उसी वक्त कीटा को लेने, बच्चों को उनके असली जगह देने निकल गए, लेकिन कीटा उन्हें देखकर भाग गया। रियोटा उसके पीछे पीछे है। वो बच्चा कितना इंतज़ार करता होगा, कितना ढूंढता होगा अपने मम्मी पापा को। कुछ एहसास के तो मायने भी उसे नहीं पता होंगे जो उसने महसूस किया होगा। रियोटा उसे माफ़ी मांगता रहा। बेटा, मिशन पूरा हो गया है, अब घर आ जाओ पापा मम्मी के पास, और उसे सीने से लगा लिया। दोनों परिवार अब सही मायने में पूरे हो गए। कीटा आपके ज़िंदगी में किसी भी रूप में हो सकता है। इस बात पे यकीन करना और बेयकीनी में शायद बदलेगा कुछ भी नहीं, जिंदगी तब भी चलेगी। लेकिन उसे नफे नुकसान में, ये तेरा वो मेरा में, अगर रियोटा की तरह नज़रअंदाज कर दिया तो यही फ़र्क असल में आपके और उसके ज़िंदगी के मायने बदल देगा। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।